Loving you all, now your Farhat ma'am is back with the continuation of chapter number 2, Components of Food, Class 6. In the previous video, I explained you the types of nutrients that are vitamins, carbohydrates and fats. In this video, I'm going to explain you what are roughage and water and how they are important for our body in our daily diet. Because nutrients have some importance. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो ऐसे ही रफेज और वाटर हमारे लिए क्यों चाहिए, यू विल लर्न इन दिस वीडियो एंड थ्रू दिस वीडियो. नाउ फिब्रस, रफेज इज एज द नेम सजेस्ट्स, रफेज द नेम से बता रहे हैं कि कुछ फाइबर्स हैं, कुछ फाइबरस फूड, ऐसा खाना जिसमें फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं रफेज. एंड ऑल्सो इट इज नोन एज फिब्रस इनडाइजेस्टिबल मटीरियल इन अवर बॉडी. एक ऐसा मटेरियल बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन बॉडी के लिए फिर कैसे इंपॉर्टेंट है और वो हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता. सी, डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. रफेज सिर्फ एक फाइब्रस फूड है और हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता. तो ये हमारी बॉडी के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों चाहिए भैया हमें रफेज? हमें चाहिए इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड कब होता है? व्हेन एनीबॉडी गेट्स कॉन्स्टिपेशन. कभी कभी होता है ना बच्चों के भी, स्टूडेंट्स के भी, स्कूल में भी होता है, मॉर्निंग असेंबली में भी, स्कूल टाइम में भी पेट में दर्द हो गया, पता नहीं कभी क्या. डॉक्टर हमेशा क्या पूछते हैं, क्या खाया था बेटा? तो इसका मतलब उसकी बॉडी में रफेज कम है, इसलिए उसको पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है. ओके, रफेज होता तो नहीं होता उसे. और सेकेंड क्या करता है, इट हेल्प एब्सॉर्ब ग्रेट अमाउंट ऑफ वॉटर. यस, वेन वी आर ड्रिंकिंग वॉटर ऑल द टाइम. और जब कभी हम बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर लेते हैं, प्यास लगती है लेकिन हम जी रहे होते हैं. तो वो कैसे होता है, रफेज वाले फूड में मेरे बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑलरेडी वाटर एब्सॉर्ब कर रखा है, स्टोर कर रखा है इम्पोर्टेंट टाइम के लिए. सो रफेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब मुझे रफेज कौन से फूड से मिलेगा, सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दलिया एंड कॉर्न्स, जो भुट्टा खाते आप लोग, इन सारे फ्रूट से मुझे रफेज आराम से मिल जाएगा. So now let's talk about water. Water is most important component of food. Do you know everybody is saying drink a lot of water, drink a lot of water. At least you must drink 2-3 liters of water daily because it is most important. अगर body में water ही नहीं होगा तो food को absorb होने में और ये तीन चीजें करने में help नहीं मिलेगी. So let's learn. सबसे पहले क्या करते हैं, water it transports nutrients inside the body. Yes. अब मैंने खाना खाया, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो, फूड गेट एब्सॉर्ब, ब्लड में मिक्स हो जाता है हीमोग्लोबिन में, ब्लड में, फिर वो कैसे घूमेगा पूरी बॉडी में, अंटिल एंड अनलेस उसमें वाटर नहीं है. तो वाटर क्या हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट इज रेगुलेट. अब हमने बहुत सारे गेम खेली, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करी, स्वेटिंग आने लगी, पसीना आने लग गया, अब वो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी कूल डाउन हो रही है. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बाय स्वेटिंग. अब सारा स्वेटिंग से वॉटर निकल गया तो यू मस्ट ड्रिंक मोर वॉटर. सो द नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब. अब ये एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं, इट हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड वी ईट. जो भी खाना हमने खाया, फ्रूट खाया, वेजिटेबल, बिस्किट, एनीथिंग, अब वो ड्राई है, बॉडी में वॉटर होगा तो इट विल हेल्प एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, सबको एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है. ठीक है, अब आपको वाटर इतनी सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, फिर भी आप कम पानी पी रहे हो, बॉडी में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन. आपने सुना होगा जब कभी किसी को बहुत वीकनेस या बहुत गर्मी में से आता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है या लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग ऐसी चीज हो जाती है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, आपको डिहाइड्रेशन हो गया है. डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए उसका मतलब क्या है, एक्सेसिव वॉटर लॉस फ्रॉम द बॉडी. आप उतना पानी नहीं पी रहे और बॉडी से लॉस हो जा रहा है, और इससे क्या होता है, आपको फिर से रिकवर करना है जो पानी लॉस हो गया है डिहाइड्रेशन से. ओके, कैसे रिकवर करते हैं, डॉक्टर्स देते हैं ORS का सोल्यूशन. आपने सुना होगा ORS, हमेशा एड्स में बताते हैं कि बच्चों को अगर प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप उनको ORS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. मतलब ये डिहाइड्रेट कर रहा है, पानी खत्म कर रहा है, और ये री करेगा, वापस लेकर आएगा पानी को बॉडी में. तो इस सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, यू कैन मेक इट एट योर होम ऑल्सो, जस्ट एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड 2 स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, मिक्स
पे, बस ऐसे ही आपका ORS बन जाएगा और कुछ पैकेट सेशंस भी आते हैं, केमिस्ट्री लैब से ले सकते हैं आप लोग। सो बिफोर रीचिंग टू दिस सिचुएशन स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ओके, ताकि डिहाइड्रेशन हो ही ना, और फिर भी अगर किसी को हो रही है प्रॉब्लम तो आप उसको ORS दे सकते हैं घर में बनाकर भी और केमिस्ट से लाकर भी, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रफेज और वाटर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।